नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चांदनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 15 अगस्त यानी कि हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस। और इस दिन जहाँ तक आप लोग जानते ही हैं कि छोटे से टी स्टॉल से लेकर बड़े से हॉल तक हमेशा ही देशभक्ति के गीत सुनाई देते हैं इस पूरे दिन। और साथ ही साथ अगर बात करें बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड ने हमें ना जाने ऐसी कितनी फिल्में और कितने गाने दिए हैं जिन्होंने हमें हमारे फ्रीडम फाइटर्स की याद दिलाई, हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों की यादें ताज़ा कराई जिनकी वजह से आज हम अपने देश में हक के साथ आज़ादी की सांस ले रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सच में आज़ाद हैं? क्या हमारी पर्सनल लाइफ बंधी हुई नहीं है? क्या हम किन किन चीज़ों से हम आज़ादी पाना चाहते हैं? तो चलिए जानते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों की राय कि उन्हें अपने पर्सनल लाइफ में और हमारे देश को आज़ाद करने के लिए और किन किन चीज़ों से आज़ादी चाहिए। तो दोस्तों चलिए दिखाते हैं आपको और सुनाते हैं कि लोगों को उनकी लाइफ में आज किन किन चीज़ों से आज़ादी चाहिए। तो सबसे पहले रुक करते हैं अजय जी के साथ। तो अजय जी बताइए आपको कि लाइफ में आपको किन किन चीज़ों से आपको लगता है कि आज़ादी मिलनी चाहिए? किन किन चीज़ों से आज़ादी? वैसे बहुत फ्रीडम है हमारी कंट्री में अगर बाहर की कंट्रीज़ के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन अगर आज़ादी, हम इस देश को आज़ाद तब कह सकते हैं जब यहाँ पर रात को लड़कियाँ आराम से फ्रीली घूम सकें, उनको लेट नाइट आने की टेंशन ना हो, क्योंकि एक टाइम होता है जिसके बाद वो घर के बाहर भी नहीं रह सकती। तो इस चीज़ से अगर फ्रीडम मिल जाए तो ये सच में आज़ादी कहलाएगी। जी बिल्कुल, देखा आपने, सुना किस तरह से इनको चाहिए कि जो लड़कियां होती हैं वो लोग फ्री होकर हमारे देश में घूम सकें, निडर होके घूम सकें। तो अगली तरफ रुख करते हैं और पूछते हैं रिम्पा जी से, हमारे साथ मौजूद है रिम्पा जी, और उनसे पूछते हैं कि उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में किन चीज़ों से आज़ादी चाहिए। तो रिम्पा जी बताइए कि आपको किन चीज़ों से आज़ादी चाहिए आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि अगर कोई ज़्यादा किसी बच्चे को प्यार कर रहा है तो वो माँ की तरह प्यार कर रहा है, क्यों एक पापा अपने बच्चे को नहीं प्यार कर सकते, एक बड़ी बहन नहीं कर सकती। या फिर अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, देखो वो देशभक्त है या फिर NGO चलाते हैं, क्यों एक नॉर्मल इंसान भी तो वो कर सकता है ना। तो हमें क्राइटेरिया सेट नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अकेले रह कर के हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो एक NGO या कोई एक बड़ी संस्थान नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं। कि हमें पर्सनल लेवल पर हर वो चीज़ जो हम चाहते हैं कि दूसरे करें, वो चीज़ पहले हम खुद तो करें, फिर हम कहें कि वो नहीं कर रहा या वो नहीं कर रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले हम सुधरेंगे फिर देश सुधरेगा और तब हमें स्वतंत्रता मिलेगी। बिल्कुल, उम्मीद करें। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अगली तरफ रुख करते हैं और पूछते हैं कुछ और लोगों से ऐसे कुछ सवाल जो कि अपनी पर्सनल लाइफ में आज़ादी चाहते हैं उन चीज़ों से, और चाहते हैं कि हमारे देश में और किन किन चीज़ों से आज़ादी मिलनी चाहिए। ते हैं और लोगों से पूछते हैं कि उन्हें लाइफ में किन किन चीज़ों से आज़ादी मिलनी चाहिए। तो हमारे साथ तृप्ति जी हैं, और तृप्ति जी आपको क्या लगता है कि लाइफ में किन किन चीज़ों से आज़ादी मिलनी चाहिए और तब जाके हम अच्छा आज़ाद फील कर पाएंगे? देखिए, लाइफ की अगर आप बात कर रहे हैं तो एज एन इंडियन अगर आज़ादी की बात हो रही है, इंडिपेंडेंस डे का मौका आ गया है, तो मैं यही बताना चाहूँगी कि अभी आज़ादी के लिए बहुत सारी, सबसे पहली बात तो सोच की आज़ादी होनी चाहिए। क्या हम अपने सोच के अकॉर्डिंग जीते हैं या फिर फॉर्मेलिटी की ज़िंदगी जीते हैं? सोशल लेवल, सोशल लाइफ और पर्सनल लाइफ को मेंटेन करना, पर्सनल लाइफ के साथ प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन करना, इन सब की आज़ादी होनी चाहिए कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को जिए। और कास्टिज़म, रिलीजियस, ये सारी चीज़ें भी अभी इंडिया में बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे आज़ादी की इंडिया को ज़रूरत है। सिर्फ मुझे नहीं बल्कि हर अगर इंडियन है तो रिलीजियस और कास्टिज़म बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे आज़ादी की ज़रूरत है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पर्सनल सोच बदलनी चाहिए, तो किस तरह की पर्सनल सोच बदलनी चाहिए? ऐसी कौन सी सोच है जो बदलनी चाहिए और हमें कोई नई सोच लानी चाहिए? देखिए, एक सोच की बात नहीं है, हर चीज़ की नई सोच की। अगर साल बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, तो सोच को बदलना पड़ेगा। यंग से लेकर ओल्ड एज की जो भी सोच है, फ्रीडम सिर्फ सोच की नहीं होती है, लाइफ की फ्रीडम होती है। तो बता दूं कि सोच किस तरह से बदलेगा, एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन एजुकेशन की जब बात हो रही है तो क्या इंडिया में एजुकेशन की लेवल कितनी बड़ी है? अब भी रूरल एरिया की बात की जाए तो वहाँ पे एजुकेशन ज़ीरो लेवल पर है। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत बड़ा मैटर है। पॉपुलेशन जब तक बढ़ता रहेगा, पॉपुलेशन पर कंट्रोल नहीं होगा तो एजुकेशन प्रॉपर लेवल पर मिलेगा नहीं। और फिर गरीबी की वजह भी पॉपुलेशन है। तो ये सब सोच की बात है, किस तरह से इतने सारे सर्वे होते हैं कि पॉपुलेशन के कंट्रोल को लेकर बात होती है कि उस पॉपुलेशन पे कंट्रोल तब होगा जब हम फैमिली प्लानिंग सही से करें। फैमिली प्लानिंग जब तक सोच नहीं होगी, फैमिली प्लानिंग हम करेंगे नहीं, एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिलेगा, इलिटरेसी बढ़ेगी, सोच कैसे बदलेगा?
जी बिल्कुल, तो आप लोगों ने सुना कि हमारे देश की एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है एजुकेशन, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इलिटरेसी की, और इसी वजह से सोच में कहीं ना कहीं खामियां आ जाती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं नैन्सी जी से कि उन्हें किस तरह की मतलब हमारा देश ऐसा कौन सा बदलाव लाना होगा कि हमारा देश आज़ाद होगा। तो चलिए पूछते हैं इनसे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बदलनी चाहिए हमारे देश में। मुझे लगता है कि जैसे कि कल 15 अगस्त है और हम आज़ाद हुए पे हमें 72 साल हो चुके हैं, क्या महिलाएं आज़ाद हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। मुझे लगता है कि आज़ादी मतलब महिलाओं को आज़ादी मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों की सोच बदलनी चाहिए। जो महिलाएं, जैसे अक्सर ही जब भी तमाम देखा जाता है जो मुद्दे उठते हैं महिलाओं पे सबसे ज़्यादा होते हैं कि महिलाओं के साथ ये हो गया, महिलाओं के साथ वो हो गया, अगर वैसे कपड़े पहने तो ये। सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगता है कि लोगों को सोच बदलनी चाहिए और महिलाओं को आज़ादी मिलनी चाहिए। अच्छा, आप एक बात बताइए कि अगर आप पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ से आज़ादी चाहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी चीज़ से बंधे हुए हैं और हम आज़ादी किसी ना किसी चीज़ से चाहिए होती है, तो ऐसा क्या लगता है कि आपको उस चीज़ से आज़ादी चाहिए ही? बस मुझे यही लगता है कि पर्सनल लाइफ में भी, जैसे कि हम आमतौर पे ऑफिस आते हैं और जाते हैं, तो जब हम ट्रेवल करते हैं तो बीइंग अ गर्ल, लड़के जिस तरह से हमें देखते हैं तो उस तरह से हमें आज़ादी होनी चाहिए। जब भी हम चाहे छोटे कपड़े पहने या बड़े, वो हमारी अपनी चॉइस है, आप ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते, तो उस चीज़ से आज़ादी मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमें आज़ादी इस तरह से मिलनी चाहिए ताकि हम बाहर घूम सकें और जब मन करे तो हम बाहर निकल सकें, लोगों से बच सकें, लोगों की गंदी नज़रों से बच सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं चित्रा जी के पास। हमारे साथ चित्रा जी जुड़ रही हैं और चित्रा जी से पूछते हैं कि हमें किन किन चीज़ों से आज़ादी मिलनी चाहिए। तो चित्रा जी, आपको क्या लगता है? जैसा अभी नैन्सी जी ने बिल्कुल सही बताया कि हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमें सबसे पहले यही चाहिए कि लड़के हमें जिस नज़र से देखते हैं उस नज़र से ना देखें, और हमें अपने तरीके से जीने की आज़ादी हो कि हम क्या पहन रहे हैं, हम कब किससे क्या बात कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। हमें इस तरह की सारी ही आज़ादी चाहिए और मैं नैन्सी की इस बात से बिल्कुल पूरी तरह एग्री करती हूँ। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें बंधक बनाती जा रही है, आपको लगता है कि हमें इन चीज़ों से आज़ादी मिलनी चाहिए? एक तरीके से अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए सही भी है, बंधक बना रही है। जैसे अगर आज हम अपने घर पे जाते हैं तो हम फ़ोन पे लगे रहते हैं, परिवार वालों से कम बात होती है, तो ये हमारी मेंटलिटी है कि हम थोड़े टाइम फ़ोन को रख के उस चीज़ से आज़ादी पाले और अपने घर परिवार के साथ टाइम स्पेंड करें, बस यही। तो अगर आपकी लाइफ से ये फ़ोन हटा दिया जाए तो आप सबसे ज़्यादा टाइम किसको देना चाहेंगी? अगर मेरी लाइफ से फ़ोन हटा दिया जाए तो मैं सबसे ज़्यादा टाइम अपनी मम्मी को दूंगी, क्योंकि मेरी मम्मी, मैं जब घर पे जाती हूँ तो इंतज़ार करती हैं कि मेरी बेटी आएंगी, और जाते ही कहीं ना कहीं मैं खुद भी फ़ोन पे लग जाती हूँ और उनके साथ कम समय बिताती हूँ। तो यही है कि अगर फ़ोन हटा दे तो मम्मी के साथ ही ज़्यादा समय बिताऊँगी। बिल्कुल, तो देखा आप लोगों ने कि टेक्नोलॉजी के बंधक बन चुके हैं और हम फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं फ़ोन के चक्कर में, अपने गैजेट्स के चक्कर में। तो ये भी एक बहुत बड़ी आज़ादी है अगर हमें इन चीज़ों से आज़ादी मिले। तो चलिए हम पूछते हैं अलका जी से कि किस तरह की आज़ादी उन्हें चाहिए अपनी लाइफ में। तो अलका जी बताइए। अगर आज़ादी पे बात हो रही है तो इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, पहले मैं इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ, और इसके साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज़ादी किस मामले में हम आज़ाद हैं, क्योंकि आज भी लोगों की जो कुछ ऐसी सोच है वो कह सकते हैं कि बेड़ियां बंधी हैं उनमें, वो आज भी अपने सोच के गुलाम हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देना, उनकी पढ़ाई रोक देना, और साथ ही साथ लड़कों की जल्दी शादी करा दो तो वो अच्छा काम करने लगे। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनमें बदलाव आना ज़रूरी है, और साथ ही साथ अगर हम अपनी जनरेशन की बात करें, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन, और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपनी जनरेशन में बदलाव लाने की ज़रूरत है ताकि आगे आने वाले टाइम पे हम अपनी कम से कम अपनी सोच से अगर हम आज़ाद हो जाएं, एक अच्छी सोच लाएं, तो शायद आने वाला फ्यूचर ब्राइट रहेगा। आपको नहीं लगता कि बहुत कुछ बदल रहा है? ऐसा नहीं है कि मतलब लड़कियों के लिए एजुकेशन रुक रही है, लड़कियों के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, तो कहाँ तक आपको लगता है कि वो सक्सेस हैं? चलाए जा रहे हैं, मैं सोचती हूँ कि क्यों चलाए जा रहे हैं, क्यों नहीं आज भी इक्वालिटी होती है। एक ऐसा समय आ जाए जहाँ इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े, जहाँ खुली सांस में जिस तरह से लड़के रह सकते हैं, खुली हवा में खुली सांस ले सकते हैं, ठीक वैसा ही लड़कियों के साथ भी हो। मैं ये सोचती हूँ कि
क्यों हम चीज़ों की बात करें, क्यों हम कहें कि हमें इतना यहाँ पे भी इक्वालिटी होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए, एक ऐसा समय आ जाए कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। जी बिल्कुल, हमारे देश में अगर ऐसा समय आ जाए कि कोई योजना की ज़रूरत ना पड़े, लोग खुद ही अपने बच्चों को पढ़ाने भेजें, लिटरेसी ख़त्म करें, साथ में गरीबी ख़त्म करें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़त्म करें, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से पूछते हैं कि और किस किस तरह की बातें हैं हमारे देश में जो बदलनी चाहिए जिससे हमारा देश पूरी तरह आज़ाद हो पाएगा। तो हमारे साथ जुड़ रही हैं मेघा जी। मेघा जी बताइए कि हमारे देश को और किस किन किन मुद्दों पर आज़ादी चाहिए और आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में आपको किन चीज़ों से आज़ादी चाहिए? देखिए चांदनी जी, सबसे पहले तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में पूरी तरह से आज़ाद हूँ, क्योंकि मुझे रोक टोक जो भी लोग करते हैं उनकी रोक टोक से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी आज़ादी मेरा हक है, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, किन चीज़ों से आज़ादी चाहिए? आज़ादी चाहिए छोटी सोच से, और आज़ादी चाहिए उन लोगों की सोच से जो खुद को हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति का रखवाला कहते हैं। वो सभी लोग जो हमारी आज़ादी को हमसे छीन कर ये दर्शाना चाहते हैं, ये साबित करना चाहते हैं कि वो हमारी संस्कृति को बचा रहे हैं, वो प्लीज़ हमसे हमारी आज़ादी ना छीने, क्योंकि ऐसा करके आप खुद तो हो सकता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं, लेकिन हमसे हमारी आज़ादी छीन रहे हैं। हमारी आज़ादी हमारा हक है। मैं चाहती हूँ कि हमारे देश का हर इंसान, हर नागरिक, वो लड़की हो, लड़का हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, वो इतना आज़ाद हो कि वो कुछ भी सोचे और उनकी सोच को जज करने वाले लोग ना हो। जजमेंटल सोच से आज़ादी चाहिए सबसे पहली चीज़, और उन पहरेदारों से आज़ादी चाहिए जो संस्कृति को बचाने की आड़ में कुछ भी करते हैं। और ये आज़ादी दिवस है और हम सबको जितनी खुद की आज़ादी प्यारी होनी चाहिए, हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे कुछ करने से किसी और की प्राइवेसी अफेक्ट ना हो। जी बिल्कुल, तो आप जो कह रहे हैं कि संस्कृति के रखवाले, तो संस्कृति के रखवाले किस तरह के रोक टोक लगाते हैं हमारे पर? वो लोग जो अगर मैं किसी लड़के के साथ घूमूं तो उसको मेरे साथ लिंकअप कर दे, ऐसे लोग प्लीज़ बच कर रहें। मेरे साथ घूमने वाला लड़का मेरा भाई और दोस्त भी हो सकता है। इस सोच से आज़ादी चाहिए। मैं अगर रात को छोटे कपड़े पहन कर घूमूं तो मेरा क्लास और मेरा स्टैंडर्ड जज ना करे, इस सोच से आज़ादी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी आज़ादी का हनन है। तो देखा दोस्तों आपने कि मेघा जी ने कितनी अच्छी बात कही कि हमारे कपड़े को देखकर, हमारे साथ कोई लड़का घूम रहा है उसको देखकर लोग ये जज कर लेते हैं कि हमारे साथ उनका लिंकअप है या फिर हमारी सोच छोटी है या फिर हम उस जगह से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से हमें आज़ादी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं, हमारे साथ अभिलाष पांडे जी मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में खुद में आज़ाद महसूस करवाएं। देखिए चांदनी जी, मुझे लगता है कि हमारा देश अब काफ़ी आगे बढ़ चुका है, ये बात पुरानी मानसिकताओं और बाकी सारी चीज़ों की है। रही बात महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, तो अभी मैं सुन रहा था सभी का स्टेटमेंट, मैंने सुना और सभी अपनी जगह सभी मोहतरमाएँ बहुत सही कह रही थी, मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को लेकर ही इस तरह की बातें की जाती हैं। आजकल पुरुष भी इन सब चीज़ों से बचे नहीं हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि सही मायने में हमारी जो कंट्री है, जो हमारा संविधान है, वो हमें पूरी तरह से आज़ादी देता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस आज़ादी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं या फिर उस आज़ादी का सही तरह से इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर रहती हैं, क्योंकि हमारी आज़ादी, ये हमारा हक है, और अगर हम अपनी आज़ादी को हमें कैसे जीना है ये हमें कोई और नहीं बताएगा, ये सिर्फ हम जानते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे देश में सभी को आज़ाद रहने का हक है, और सबकी अपनी सोच होती है आज़ादी को लेकर। मेरा मानना यही है कि अगर मुझे आज़ादी दी गई है तो उसको मुझे कैसे आराम से जीना है या फिर मैं अपनी आज़ादी को कैसे एंजॉय कर रहा हूँ, ये मेरे ऊपर। जी बिल्कुल, तो देखा आप लोगों ने, तो जहाँ महिलाओं को लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं तो यहाँ पर पुरुषों को भी आज़ादी पूरी तरह से नहीं मिली है, और इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं एडविन जी के पास, और एडविन जी से पूछते हैं कि किस तरह की आज़ादी हमें मिलनी चाहिए। आज़ादी को लेकर बहुत सारे नज़रिए हो सकते हैं, लेकिन सच कहूँ तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें है कि हमारी सोच को आज़ाद करना है। और 70 साल तकरीबन देश को आज़ाद हो गए हैं, ऐसे में भी अगर हम हमारी सोच को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, एक तरीके से अगर हम तंग नज़रें रख रहे हैं चीज़ों के लिए,
तो मेरे ख्याल में सबसे पहले हमें उसको ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम खुद की सोच को बेहतर कर पाए, खुद की जो हम दकेनुसी सोच अभी भी लेकर चल रहे हैं, अगर उनसे हम पार पा पाए, तो मेरे ख्याल में वो सच्ची आज़ादी होगी। और वो मैं अभी भी देख रहा हूँ कि इतने सालों के बाद भी वो कहीं ना कहीं छुपी हुई है, उसको हमें आज़ाद करना है। उसके बाद देखिए कि समाज किस तरह से आगे बढ़ता है, किस तरह समाज में जो बेटियां हैं, लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, वो आगे बढ़ती हैं और ख़ुद को महफूज समझते हैं समाज में। क्योंकि खासकर हम जब देखते हैं, अब बात करते हैं, तो लड़कियों का को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, तमाम सारी बातें होती हैं। कोई पक्ष में है कि उनको कॉलेज भेजना चाहिए या कोई पक्ष में है कि नहीं भेजना चाहिए, बस 8th तक पढ़ाई कर ली काफ़ी है, 10th तक पढ़ाई कर ली काफ़ी है, 12th तक पढ़ाई, एक ऐसा नज़रिया जो अभी भी बंधा हुआ है। तो मेरे लिए आज़ादी के सच्चे मायने वो हैं जब हम उस नज़रिए को छोड़ें और बेटी को पूरी परवाज़ दें उड़ने की, उन्हें बताएं कि तुम लड़के से ज़रा भी कम नहीं हो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, जज्बा है, तुम आगे बढ़ना चाहती हो तो ज़रूर आगे बढ़ो। मेरे ख्याल से अगर इस तरह ख्याल हमारे दिमाग में आए तो वो सच्ची आज़ादी होगी हमारे वतन के लिए। तो सर मैं आपसे एक बात और पूछना चाहती हूँ कि ये तो ठीक है, तो सामाजिक मुद्दा हर कोई बोलता है कि महिलाओं को आज़ादी चाहिए, गरीबी से आज़ादी चाहिए, भुखमरी से आज़ादी चाहिए, लेकिन आपको अपने पर्सनल लाइफ में किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? देखिए, ये पर्सनल चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग बात करते हैं कि मुझे मेरे पास इतने पैसे हो जाएँ कि मैं एक आज़ाद सोच के साथ आगे बढ़ूँ, बट आज़ादी के अलग अलग मायने हैं। मेरी नज़र में आज़ादी के मायने वो हैं कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उस मुल्क को मैं आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, उस देश को मैं आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। और अभी हालांकि टाइम लगेगा, लेकिन हमारे देश ने बहुत तरक्की की है। मैं अगर पर्सनल लेवल पर मेरी आज़ादी की बात करूँ तो मैं अपने आज़ादी देश के साथ ही जोड़ूंगा, क्योंकि अगर मेरा देश खुशहाल है देन मैं खुश हूँ। अगर मेरा देश खुशहाल नहीं है, एक भी बंदा अगर यहाँ भूखा सो रहा है, इसका मतलब हम आज भी पूरी तरह से आज़ाद नहीं हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे देश का के जो सर्वे सर्वा हैं, जो हमारे देश को चला रहे हैं, अधिकारी हैं, नेतागण हैं, पीएम साहब हैं, सीएम हैं, जितने भी राज्यों के, उनसे मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आपस की रंजिश को छोड़ें और देश को आगे बढ़ाएं। क्योंकि यहां पर जितने भी संप्रदाय समुदाय रहते हैं सबको लेकर चलने की ज़रूरत है। क्योंकि आज अगर आप दुनिया में देखेंगे तो हमारा मुल्क वो मुल्क है जो एक बड़ा मार्केट है। अगर सैमसंग का प्रोडक्ट कहीं बाहर बन रहा है तो बिग इंडिया में रहा है, इस एक बड़ा मार्केट है। अगर हम इसको सही से समझ पाएँ तो हमारा देश बहुत जल्दी उन्नति के पथ पर चला जाएगा। और असल में मेरी आज़ादी इसी से जुड़ी हुई है, अगर ये चीज़ होती है तो मेरे लिए इससे बड़ा कुछ नहीं है। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कितने सारे मुद्दे उभर कर आए, महिलाओं को आज़ादी चाहिए, पर्सनल लाइफ में आज़ादी चाहिए, हमारे देश में अगर हमारे पास ढेर सारे हम सुख सुविधा से जी रहे हैं, लेकिन हमारा कोई भाई है जो रोड पर सो रहा है तो उनको भी हमारी तरह आज़ादी चाहिए, वो भी हमारी तरह एक घर में सो सके, एक छत के नीचे सो सके, उन सब चीज़ के लिए हमें उनका सहयोग करना चाहिए। तो आज का ये प्रोग्राम आप लोगों ने देखा और आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे मिले होंगे। तो चलिए आज का प्रोग्राम इतना ही था, जय हिंद। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।